Hello everyone, welcome to BBN online classes. I'm Sakshi Dhiman. Class 9 का आज मैं न्यू चैप्टर शुरू करवाने वाली हूँ, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला. ओके, अब हीरोन्स फॉर्मूला में एक बड़ा सिंपल सा चैप्टर है. जैसे हम क्लास जो 8 में पढ़ के आए हैं ना, कुछ ना कुछ इसमें यूज हो जाएगा. अगर इस तरफ ये एक ही चैप्टर है जो आपको 8 क्लास की आपका याद दिलाएगा कि हाँ 8 क्लास हमने ये करा है, अदरवाइज बाकी पूरी ज्योमेट्री है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला. अब ये क्या कहता है, हीरोन्स फॉर्मूला में क्या कहता है, चलो कुछ बेसिक सी चीजें करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं. ओके, लाइक आपने ये सबसे पहले कि एरिया हो गया, पैरामीटर हो गया. ठीक है, ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि एरिया, पैरामीटर और शेप्स, लाइक शेप्स हो गई. तो आपको सब शेप्स के बारे में पता है कि अगर मैं ये ऐसे ड्रॉ कर दूं, आपको पता है दिस इज स्क्वायर. अगर मैं ये है, दिस इज रेक्टेंगल. अगर ये है, दैट इज ट्राइंगल. और अगर ये है तो दिस इज योर सर्कल. है ना, ये तो शेप्स की बात हो गई. फिर हम बात करते हैं कि पैरामीटर की बात करते हैं. बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पैरामीटर होता क्या है. सिंपल, पैरामीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड. दिस इज स्क्वायर, इसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. तो जैसे इसको दैट दिस इज 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. ओके, तो अगर मेरे को इसका पैरामीटर जानना है, पैरामीटर मीन सम ऑफ ऑल द साइड्स, लाइक 3 + 3 + 3 + 3, या हम ऐसे भी लिख देते हैं 4 × साइड. ओके, तो ये इसका पैरामीटर. तो पैरामीटर लिखना है 4 × साइड, तो कैसे हो जाता है हमारा 4 × साइड. कितने रखते हैं हिस्ट्री, तो 3 × 4 = 12 और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर. ओके, और पैरामीटर हमेशा मीटर या सेंटीमीटर, ये यूनिट होते हैं, स्क्वायरिंग में नहीं होता. जो एरिया होता है उसकी जो यूनिट होती है, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसकी यूनिट्स होती है. वैसे अगर मैं रेक्टेंगल की बात करती हूँ, तो रेक्टेंगल की ये जो ऑपोजिट साइड है, अगर सपोज़ होगी ये हमारी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी, दैट इज लेंथ. और विड्थ अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा. ओके, और वही पैरामीटर के बाद सम ऑफ ऑल द साइड्स, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं 4 + 3 + 4 + 3, अदरवाइज हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2n + b. मीन्स दो बार लेंथ है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो 2n + b भी को लिख सकते हैं. तो ये कितना हो गया, 2n = 4, b = 3. दैट मीन्स 4 + 3 = 7, 7 × 7, एंड इट इज 40, एंड यूनिट 7 सेंटीमीटर. अब चलो सेंटीमीटर लिखोगे. वैसे ट्राइंगल की बात आती है, पहले सबसे पहले ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं, तो आप ये बनाते हो, दैट इज एक्यूट्रायंगल, एंड देन लाइक ऐसे बनाते हो, ये कौन सी होगी, ऑब्ट्यूज हो गई, है ना. फिर राइट एंगल की बात भी करते हो, फिर ये क्या हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, विच मेक्स 90 डिग्री एंगल, दिस कॉल्ड एज राइट एंगल ट्राइंगल. तो इसका भी अगर एरिया निकालना है, ठीक है, और ट्राइंगल का भी एरिया अगर आपको निकालना है, अगर मान लीजिए तीनों साइड्स इक्वल है, अगर ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, इसका सॉरी एरिया नहीं, पैरामीटर, पैरामीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके, तो अगर ये अब सर्कल की बात आते हैं, जैसे बोलते हैं ना पैरामीटर, बोलते हैं कि पैरामीटर निकालिए सर्कल में, इसका जो पैरामीटर उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं. और आपको पता ही है द फॉर्मूला इज 2πr, वेयर r इज द रेडियस. ओके, तो ये मेरा जस्ट बेसिक सी चीजें थी जो मुझे लगा कि चैप्टर शुरू करवाने से पहले आपको बताना चाहिए. तो एक और है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है एरिया. ओके, तो अगर एरिया मैं सबसे पहले राइट एंगल की बात ही करूंगी, तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया, बट एरिया ये फॉर्मूला होता है हमारा, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 × बेस × हाइट. ओके, ये कब लगेगा, जब आपको हाइट गिवन होगी. अगर आपके पास हाइट गिवन नहीं है तो आपको हाइट यू निकालनी पड़ेगी कैसे. ओके, तो ये क्या है, आप बेस इंटू हाइट, तो बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, तो एरिया आपका इजीली आ जाएगा. ओके, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको करनी है. अब हम देखते हैं कि
अगर एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, मान लीजिए ट्राइंगल है मेरे पास, उसकी तीनों साइड डिफरेंट है, मान लीजिए 2 है, ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, कुछ एग्जांपल लेके हम करते हैं। चलिए देखिए, तो ये इक्वेशन लिया मैंने, ओके, तो ये तीनों साइड्स मेरे को गिवन है, तीनों साइड्स गिवन है। समटाइम्स ऐसे होता है कि इसमें दो साइड दी होती है, जो आप इक्वेशंस में देखोगे, और आपको किसी साइड नहीं गिवन है और बोला है कि एरिया निकालिए बाय यूनिट फॉर्मूला, तो अब तब क्या करते हो, बट इसमें अगर दो साइड गिवन है, किसी साइड नहीं गिवन है, बट मेक श्योर दैट उसका पैरामीटर दिया होगा, ओके, जब पैरामीटर गिवन है तो पैरामीटर का सम ऑफ ऑल द साइड्स, तीनों साइड का सम, उसमें से दोनों साइड्स को ऐड करके पैरामीटर सबट्रैक्ट करोगे किसी साइड आ जाएगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे। बट ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए क्वेश्चन दिया, तीनों साइड्स मैंने गिवन ले लिया, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला है कि आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, तो सबसे पहले पैरामीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स, या थ्री साइड्स ए बी में इसका नाम मैंने ए बी सी, तो इन तीनों साइड को सम करेंगे, मींस दैट इज 15 प्लस 11 प्लस 6, ओके, तो ये कितना होगा आपका 32 और सेंटीमीटर, मैंने सेंटीमीटर क्यों लगाया है, यहाँ पे इसकी यूनिट सेंटीमीटर है, अगर मीटर में लगाओ मीटर लगाते, बट स्क्वायरिंग नहीं लगाते, क्योंकि जो स्क्वायरिंग यूनिट होती है वो सिर्फ एरिया में लगती है, मीटर या पैरामीटर में सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर लगता है, तो ये 32 हो गया। अब मेरा नेक्स्ट, मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो जो आप फॉर्मूला यूज करोगे दैट इज एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड योर एस माइनस सी, ओके, तो वेयर एस इज, एस पे आपका सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, सेमी मींस आधा, सेमी सर्कल करते हैं, सेमी सर्कल मींस सर्कल का आधा, सेमी सर्कल, तो वैसे सेमी पैरामीटर मींस अगर पैरामीटर को मैं आधा कर दूं तो सेमी पैरामीटर आ जाएगा मेरा, तो ये मेरे पास पैरामीटर है और अब मुझे एस चाहिए, उनको पैरामीटर को हाफ करना पड़ेगा, सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं, सेमी पैरामीटर करेंगे, पैरामीटर अपॉन 2, मतलब पैरामीटर का आधा कर दूंगी, तो ये कितना हुआ आपका 32/2, सो 2 × 2 2 6 are 12, 2 × 2 2 6 are 12, ये कितना आता है 16 सेंटीमीटर, ओके, अब तो कुछ नहीं है, जस्ट पूरा बाली दो एंड सॉल्व इट, तो ये साइड से निकाल लेते हैं, पहले एस माइनस ए, एस माइनस ए मींस एस इज 16, तो 16 माइनस 15, तो ये कितना आ जाता है हमारा 1 सेंटीमीटर, एक साइड क्या है 1, उसके बाद एस माइनस बी मींस एस एस इज 16 एंड बी इज 11, तो ये कितना आ जाता है 5 सेंटीमीटर, अब मुझे एस माइनस सी, एस माइनस सी 16 − 6, तो ये कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, देखिए तीनों वैल्यूज आ गई, इस उल्टा वाले में मिलता है आंसर, सो सी हियर, सो एस, ये वाला एस भी इंक्लूड होगा, एस कितना आपका 16, तो यहाँ पे 16 आ गया, एस माइनस ए दैट इज 1, दिस राइट ऑन हियर 1, एस माइनस बी इज 5, दिस वुड हैव 5 एंड एस माइनस सी इज 10, इज 10, ओके, सो I just want to tell you one more thing. Some of our students, what we are doing with this multiplying this and this and this and this. कई बार तो ये simple सी term भी अगर multiply कर लेंगे तब भी answer सही आ जाएगा, मतलब सही मतलब कि लंबा इतना नहीं आएगा, but कुछ questions तो ऐसे आएंगे जिसमें यहाँ पे अंदर के अंदर भी तो उसके multiple दिए हैं, मतलब 16 है, then 32 है, कुछ बड़ी बड़ी terms आ जाएंगी, तो उसको multiply करके फिर अंदर निकालना बड़ा difficult रहेगा, तो easy way से आप काम कर रहे हैं, सिंपल आपको ये करना है कि मुझे इनको जितनी जितने भी इतने मल्टीपल्स हो सके, जितने बाहर आ सके अनरूट से, इतने आपको बाहर निकालना है, ओके, अगर 2 अगर 2 इंटू 2 है, सपोज लाइक अनरूट 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ जाए, ओके, ये स्क्वायर रूट, अब मैं ऐसे स्क्वायर लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2 4 बार, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 दैट इज 16, और 1 तो वन जो है एनी मल्टीप्लाई वन द नंबर इज वही एग्जैक्ट वही नंबर आया, ओके, तो यहाँ पे 5 प्राइम नंबर और इसको मैं 2 × 5 एग्जैक्टली लिख सकती हूँ ना, 2 × 5 तो आप लिख ही सकते हैं यहाँ पे,
इसका भी एक पेयर बन रहा है, एक और तो बाहर आ गया। अभी जैसे बताया मैंने पेयरिंग की टर्म बाहर आ गई। अब देखिए यहाँ पे दो फाइव है, एक फाइव बाहर निकाल दीजिए और इसका तो किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा, पेयर नहीं बन रहा तो ये एंड के बाहर नहीं आ सकता, तो ये एंड टू रहेगा यहाँ पे। अब देखिए मतलब फोर फोर फाइव सा ट्वेंटी और एंड टू, और ये आप निकाल क्या रहे, एरिया निकाल रहे हो, एरिया निकालो तो यूनिट्स लगाना इसकी जरूरी है। तो 20 अंडर टू सेंटीमीटर की स्क्वायर ये इसका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, जब आपको किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती है गिवन होती है। ठीक है, अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट विल बी तो ये 12.1 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। अब बोलता है इस क्वेश्चन में A traffic signal board indicating school ahead. एक traffic signal board है जिस side में ना, और वो एक school की तरफ बता दे कि इसके आगे क्या है, school है ना। आपने सिग्नल देखे हैं कि इधर school है या इधर है ना, तो अब ये बोला है कि equilateral triangle। अब equilateral triangle होता क्या है, इसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अगर एक 2 सेंटीमीटर, दूसरी भी 2 सेंटीमीटर होने चाहिए, तीसरी भी 2 सेंटीमीटर होने चाहिए। और बोला है कि विद साइड ए, बट इसमें ए साइड दे रखी है, तो मतलब बोला है इस साइड का ट्रायंगल होगा लाइक दिस, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब उसने क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, ये तो सिग्नल बोर्ड है ना, ये तो मैंने इस शेप में यहाँ नीचे बना दिया, उसका आपको एरिया निकालना है। तो आपको अभी जस्ट मैंने समझाया है, एक एग्जाम्पल समझाई है कि जब तीनों साइड गिवन होती है तो उसका एरिया कैसे निकालना है। बट यहाँ पे मेरे को साइड नहीं दे रखी, साइड का क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका पैरामीटर निकालते हैं। तो पैरामीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, मीन्स ए प्लस ए प्लस ए, ये था और तीनों को ऐड करके अब उसके बाद क्या निकालते हैं, उसका सेमी पैरामीटर निकालते हैं। तो सेमी पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, मींस 3/2a। इसको आपको पॉइंट्स को नहीं लिखना है, बच्चे इसको डिवाइड करके पॉइंट को लेके बड़ा लंबा सा क्वेश्चन बना देते हैं, तो इसको 3/2 रहने दो, इजी रहेगा। मैंने इसका पैरामीटर भी निकाल लिया, सेमी पैरामीटर भी निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया, एरिया क्योंकि इसकी तीनों साइड क्या है मेरे को गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वही एग्जैक्टली बाय यूनिट फॉर्मूला, दैट इज एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, एस एस ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, दैट इज 3/2a, और यहाँ पे कितना हुआ 3/2a। अब एस माइनस ए S 3/2a माइनस ए, मीन्स यहाँ पे साइड, यहाँ पे ए बी सी साइड है, पर साइड्स आपको तीनों क्या दे रखे हैं, तीनों ए ए ए दे रखा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए दे रखा है, और यहाँ पे फिर से 3/2a माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि बी साइड तीनों साइड इक्वल है। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस ए माइनस ए, समझ रहे। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर इसको अंडर में रखेंगे, और ये तो आएगा ही आएगा आपका 3/2a, तो आएगा ही आएगा, इसको सॉल्व करें। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करूंगी मैं, वैसे तो सिंपल सा ही है, बट अगर किसी को डाउट रहता है देखिए, तो 3/2a माइनस ए है, इसके नीचे क्या लगा दीजिए, डिनोमिनेटर में 1 लगा दीजिए, और ये कितना है आपका 2, इसको डिवाइड करा 1, तो ऊपर टर्म से मल्टीप्लाई करके 1 तो दैट इज 3a, और इसको इससे डिवाइड करा 2, और 2 को a से मल्टीप्लाई करा दैट इज ट्वाइस ऑफ a इज 1, और मतलब ये कितना हुआ a बाय 2, तो ये तो a बाय 2 रहेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए a बाय 2। सेम यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे भी a बाय 2 ही आएगा, और यहाँ पे भी आपका a बाय 2 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, आपको बताइए कि हम क्या करते हैं, अंडर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि जितनी टर्म्स हो सके इसको बाहर आ जाए, तो ए अच्छी तरह बनाने की ए लगे ना कि नाइन लगे। ओके, अब ये देखिए इनका तो पेयर आपस में बन रहा है,
तो ये एक तो ए बाय टू आप निकाल सकते हैं। ओके, अब अगर मैं ये देखूं यहाँ पे दो ए हैं और दो ही यहाँ पे टू है ना, इसका भी बन रहा है, तो इसमें भी क्या निकाल दूंगी मैं ए बाय टू, मान लीजिए यहाँ पे थ्री नहीं है बस सपोज करके, तो ये ए बाय टू ए बाय टू है, एक ए बाय टू बाहर आ जाएगा और सिर्फ क्या बचा यहाँ पे थ्री जो कि अंडरूट में ही रहेगा, दैट इज अंडरूट थ्री। तो अब देखिए कितना आ गया आपका, दैट इज अंडरूट थ्री और ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर और टू इंटू टू दैट इज फोर। तो ये आपका ये क्या है आपका इसका आंसर एरिया। अब मुझे उसने आगे मैंने यहाँ तक लाइन पढ़ी यहाँ तक सॉल्व करो, नेक्स्ट लाइन पढ़ूंगी अब फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल कोड यूजिंग किलोज फॉर्मूला इफ इट्स पैरामीटर इज 180। अब आपको पैरामीटर गिवन है दैट इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल कोड, अगर पैरामीटर गिवन है तो इसका एरिया क्या होगा। तो सी पैरामीटर पैरामीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स मतलब ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए, तो पैरामीटर 180 सेंटीमीटर आपको ऑलरेडी उसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना हुआ 3a, तो 9, अब a की वैल्यू कितना, a की वैल्यू निकाली है 180 बाय 3, तो a कितना आता है 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 18, 16, तो a कितना है आपका 60 सेंटीमीटर। ओके, a की वैल्यू आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर। अब a की वैल्यू जब आ जाती है आपकी तो आपको क्या करना है इसमें पुट करनी है जिससे आपका एरिया आ जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू करिए √3 by 4 into a square means 60 into 60। okay, तो ये काट दे 2 वाला 2 3 जा 6 0। okay, फिर इसको कैंसिल कर दे 2 वाला 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये कितना आया आपका √3 को √3 रहेगा ये आपका 15, 6 जा 19 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे ऑलरेडी 900 है ना, यहाँ पे तो 900 आ जाएगा। ओके, सेंटीमीटर की स्क्वायर, तो आप उसको ऐसे लिख लीजिए 900√3 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये आपका क्या आपने निकाला इसका एरिया निकाल, सिंपल सी क्वेश्चन है, जब भी मैंने पढ़ा रहा है सबसे बच्चों को ये हीरोज फॉर्मूला जो है चैप्टर सबसे इजी लगता है। आई होप आप लोगों की समझ आ गया हो, और कोई भी क्वेरीज होती है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। टिल देन ओके।